अब ये मेरे साथ करिया मुंडा जी हैं, सर आपको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि अपने सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के साथ निष्ठापूर्वक असमर्पित भाव से जो भी काम मिला, चाहे संगठन का हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, या कोई पद मिला हो सरकारी क्षेत्र में, मैंने ईमानदारी से किया और समर्पित भाव से किया, और साथ ही जनता की सेवा भी इतना दिनों के अंदर जितना भी हो सका समर्पित भाव से बिना भेदभाव के मैंने उन सभी लोगों का सेवा किया। अपने झारखंड वाले वासी को क्या संदेश देंगे, आपको ये सम्मान मिला है? ये सम्मान अगर कहा जाए तो झारखंड वासियों के लिए ही है, क्योंकि तो मैं वहाँ से हूँ और वहाँ की जनता ने मेरे पर विश्वास किया, मेरे साथ प्रेम और स्नेह दिखाया, उसी के कारण शायद ये अलंकृत हुए हैं। सर आप पे ऐसे एक सस्पेंस बरकरार, एक पॉलिटिकल सवाल है मेरा कि 2019 की लोकसभा चुनाव आप गोंडा से लड़ेंगे कि नहीं? नहीं, गोंडा तो नहीं है मेरा, तो खूंटी है, खूंटी है, खूंटी लोकसभा चुनाव। हाँ, लेकिन अभी तो यही कहेंगे कि पार्टी टिकट देगी तो लड़ेंगे, अभी तक तो निर्णय हुआ नहीं है। सर इलेक्शन कमीशन ने डेटों का ऐलान कर दिया है, 25 मई को 23 मई को पता चल जाएगा अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, आप लोगों को उम्मीद है कि दोबारा फिर प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे? हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि फिर से श्री नरेंद्र भाई मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज़ डॉट इन के लिए।